like a Hellcat. दारान कहती है कि कांग, पर वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। पर जैसे ही वो बोलते हैं योंजे, तो वो फौरन उसे पलट के देखता है। दारान समझ जाती है कि योंजे है, पर तब भी वो उसे अंदर लिफ्ट में जाके पूछती है कि तुम कांग हो ना। तो उससे कुछ इस तरीके से बातें करने लगता है जैसे कि वो सच में योंजे हो। अब वो कन्फर्म हो जाती है कि योंजे ही है। जैसे लिफ्ट से बाहर आता है तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम योंजे हो। तो उससे कहता है आप तो मुझे पहचान ही नहीं पाई गिल टीचर। और फिर वहाँ से चला जाता है। और दारान कहते रह जाती है कि मुझे पता था कि तुम कांगी हो, तुम मेरे को बुद्धू बना लेते। वो बाहर आती है और योंजे को बैठाती है कि उसके पास बैठ जाती है और उसका पूछने लगती है कि तुम कैसे थे, तुमने एक साल में मेरे से बिल्कुल बात नहीं करी, कोई लेटर क्यों नहीं लिखे। तो कांग उसे कहता है कि मेरा इतनी केयर मत करो, अभी हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ सब लोगों को ये पता है कि हमारी शादी होने वाली थी, जो कि हमारी शादी टूट गई है, तो सब लोग हमें घूर रहे हैं। और वो देखते हैं कि सब लोग से सच में घूर रहे होते हैं। अब वो कहता है कि हम दोनों में से जो सबसे पहले टेबल से उठेगा वो अच्छा माना जाएगा, यानी कि उसकी बाजी जीत ली। अब वो कहती है ठीक है, तो हम दोनों साथ में उठेंगे, ठीक है, तीन की काउंटिंग पे। वो कहती है 1 2, कितने में योंजे खुद ही खड़ा हो जाता है कांग। अब वो भी बेचारी वो लाइक ओ माय गॉड, अब तो उसकी बहन बची गई। उसकी सारी फ्रेंड आके उससे पूछती है कि कहीं उसने तुम्हें डम तो नहीं कर दिया, कहीं ये तो नहीं करा, वो तो नहीं करा, उसने क्या कहा फलाना टिमकाना। कि कांग वापस आता है और दारान का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है बड़े ही अच्छे स्लो मोशन के साथ। वो दोनों बाहर आते हैं एंड दारान कांग का थैंक्स कहती है कि उसने उसे बचा लिया, नहीं तो काफ़ी सारे लोग उसे अपनी किन किन सवालों से उसे परेशान कर देते। जहाँ वो कहता है कि हाँ मुझे पता था, तभी तो वो तुम्हें बाहर लेके आया हूँ। जहाँ वो कहती है थैंक यू यार, फिर वो उसे अपना हाथ दिखा के कहता है कि तुम कब तक मेरा हाथ पकड़ने वाली हो। वो अपना हाथ छुड़वाती है और कांग से पूछते हैं कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। जहाँ वो उसे बताता है कि उसकी मम्मी जो है उस मतलब योंजे की जो मम्मी है वो कांग वो जो है योंजे को किसी अपनी उसकी फ्रेंड के साथ ही फिक्स करने की कोशिश कर रही है, जो कि वो नहीं जाता। और वो दारान से कहता है कि दारान उससे शादी कर ले ताकि ये सब उसे झेलना ना पड़े। जहाँ दारान उसे बिल्कुल साफ मना कर देती है और वहाँ से चले जाते हैं। दारान जाहिर ही होती है कि उसके पास आप कांग आता है अपनी कार लेंगे। अनु से कहते हैं कार में बैठो, जहाँ वो मना करती है पर वो जाता ही नहीं, तो उसे ज़बरदस्ती कार में बैठना ही पड़ता है। एंड वो छुप रही होती है अपने फ्रेंड से कि जल्दी चलाओ कार, मेरी फ्रेंड को देखना नहीं चाहिए। पर वो अपनी उसकी फ्रेंड के पास एक कार ले जाकर उन्हें हाय हेलो करके वहाँ से आता है, ये दिखाते हुए कि दारान और वो दोनों साथ में आ गए हैं। दारान कांग से कहते हैं कि तुम अपनी उम्र की लड़कियों को डेट क्यों नहीं करते। जहाँ वो कहता है कि मैं इस वक्त ऐसी बॉडी के अंदर हूँ जो बिल्कुल मेरी उम्र से 10 साल बड़े हैं, तो अगर मैं अपनी उम्र की लड़कियों को डेट करूँगा तो लोग मुझे क्रिमिनल समझेंगे और साइको या पर्वर्ट कहेंगे। जहाँ वो कहती है ओ, पर वो कहती है कि पर मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती बिकॉज उसे काफ़ी वक्त लग गया योंजे से मूव ऑन करने में। अब वो वहाँ से चली जाती हैं। घर आके उसकी मम्मी पापा के हाव भाव से हमें पता लगता है कि वो दारान को किसी लड़के के साथ सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र जो हो गई है। एंड उसके फादर इतने गुस्सा होता है योंजे के ऊपर कि वो कहते हैं कि कोई उस लड़के का नाम वाई से स्टार्ट भी नहीं होना चाहिए, मैंने चाहता कि कोई भी योंजे का कोई भी साया दारान के पास रहे। दारान घर आके जो है अपने और कांग के साथ के फ़ोटो देखती है, पुराना वक्त इमेजिन करती हैं। यहाँ कांग भी अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के हॉस्पिटल जाता है, अपने फ्रेंड से बात करता है और उनकी बातों से पता लगता है कि जो हमारा कांग है वो वापस काम पे आने वाला है। और कांग ने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं डॉक्टरी की ताकि वो वापस ऑपरेशन कर सके। वो अपनी बॉडी को भी देखने जाता है जहाँ मैरी आके उससे कहती है कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर हम दोनों को बाहर बैठे होते देखते हैं जहाँ मैरी उससे पूछ रही होती है कि कांग के बारे में मुझे कुछ सीक्रेट्स बताओ। जहाँ उसे थोड़े बहुत सीक्रेट्स उसे बता देता है एंड वो उसके सर पे पैट पैट करता है जिससे उसे वापस कांग की याद आने लगती है। अब वो कन्फ्यूज हो जाती है कि दोनों लोग एक दूसरे को सिमिलर कैसे हो सकते हैं। यहाँ कांग के अंकल एंड आंटी बात कर रहे होते हैं कि योंजे कांग को इतना बेहतर तरीके से कैसे जानता है। अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि योंजे की ज़रूर कांग की प्रॉपर्टी पर नज़र है, तभी वो ये सब कर रहा है। यहाँ योंजे कांग आता है हमारी दारान के स्कूल में सबसे वापस बातें करने पर। कांग दारान उसे भगाने की काफ़ी कोशिश करती है पर वो भागता ही नहीं है। वो प्रिंसिपल के पास जाता है और कांग के बारे में पूछता है कि मतलब कांग भी तो उनके स्कूल में स्टूडेंट था ना, तो वो उनके बारे में पूछता है कि कांग की पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि वो तो कोमा के अंदर है। जब वो बात करके बाहर आता है
बाहर आने के बाद वो दारान से फिर से कहता है कॉफ़ी पीते हुए कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि तुम ये इकलौती हो जो हम जानते हैं कि मैं कांग हुआ बल्कि कोई और नहीं। जहाँ दारान उसे फिर मना करते हैं, वो पता आता है उसकी मम्मी किस तरीके से उसे फोर्स कर रही है उसकी फ्रेंड के साथ आने के लिए। यहाँ दारान काम के घर में आती है और सारा अपना सामान पैक करने लगती है ताकि वो उसे बार बार ना बोले शादी करने के लिए। यहाँ मैरी और चुनसिक भी साथ में लगे हुए होते हैं, मतलब चुनसिक उसकी हेल्प कर रहा होता है ताकि वो उसकी पिज़्ज़ा का जो है बर्डन वो उसे कम कर सकें। यहाँ योंजी की फ्रेंड आती है उसके घर में, दारान को देख के वो शौक और उसको देख के दारान शौक। जहाँ वो उसे कहती है कि तुम सच में दारान से योंजी से शादी करना चाहती हो, वो कहती है कि हाँ मैं उसे काफ़ी पसंद करती हूँ। दारान उसे समझाने की कोशिश करती है कि योंजी वो नहीं है जो सबको दिख रहा है, एक्चुअली उसके अंदर एक छोटा बच्चा जो कि इमेच्योर है, तुम उसे कैसे हैंडल करोगी। जहाँ वो कहती है कि तुमने भले ही गिव अप कर दिया हो पर मैं नहीं करूँगी। अब वो उसको सोफे पर बैठ जाती है। दारान उसकी बॉडी को देख के कहती है कि काम के लिए ये सब हानिकारक है। जहाँ वो ज़बरदस्ती अपने सोफे से उठाती है और उसे भगा देती है घर के बाहर। अब बाहर आ रहा होता है कांग, जो कि उसकी फ्रेंड बताती है किस तरीके से दारान ने उसे घर के बाहर निकाला। वो काफ़ी खुश होकर कहता है कि क्या सच में दारान ने ऐसा किया, और वो काफ़ी खुश होता है। जहाँ वो उससे कहती है कि उसने मुझसे ऐसा कहा कि तुम छोटे बच्चे हो अंदर से इमेच्योर हो, वो कहता है हाँ मैं छोटा बच्चा हूँ इमेच्योर भी हूँ। जहाँ वो कहती है कि नहीं मुझे पता है, तो वो कहता है कि तुम्हें जो भी पता है मैं अगर ठीक हूँगा तो तुम मेरे तब कर लेना चाहती बट अभी मत करो। कांग अंदर आके दारान से कहता है कि तुमने सच में मेरी फ्रेंड को घर से बाहर निकाला, कितना अच्छा लगा मेरे को। जहाँ दारान उससे कहती है कि अगर उसे तुम्हारी रियलिटी पता लग गई ना तो वो तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं आने की। जहाँ कांग उससे क्लोज होता है और कहता है क्या तुम्हें मैं अभी भी अच्छा लगता हूँ अट्रैक्टिव लगता हूँ, तो वो कहती है बिल्कुल नहीं लगते। जहाँ वो कहता है तभी तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझसे अट्रैक्ट हो गई नहीं, अब मेरा काम भी चलता रहेगा। यहाँ पे जिम टीचर परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उसने दारान को कांग के साथ देखा होता, अब वो सोच रहा होता है कि वो दोनों के वापस पैचअप हो गया है। अब यहाँ कांग भी आता दौरान दारान के मम्मी पापा से बात करने और कहता है कि ये लड़ाई काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है, मुझे ज़ख्म भी मिलेंगे पर कोई बात नहीं, मैं अपने लिए इतना कुछ कर ही सकता हूँ। वो अंदर जाता है और देखता है कि दारान की मम्मी बाहर आ रही है, तो वो छुप जाता है। एंड देन देखता है दारान के पापा आ रहा है, तो वो छुपके छुपके होटल के अंदर ही चला जाता है। वो छुपके देख रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड वो फाइनली फैसला करता है कि वो आज उसके मम्मी पापा से तो बात करके ही रहेगा। वो जैसे ही उठने जाता है कि वो दोनों के हाथ में ऐसा सामान देखता है, और इस सामान को देख के बेचारे की क्या हालत होती है वो बेचारा ही जानता है। देन वो अपनी इज्जत बचाते हुए वहाँ से जाने लगता है कि वहाँ उसे मिल जाती है मैरी। अब मैरी बाहर आती है और उससे और बातें करने लग जाती है। बातें करते करते के बाद हमारा कांग वहाँ से जाने लगता है, तो मैरी की आँखों में कुछ चला जाता है। मैरी कहती है मेरी आँख में दर्द हो रहा है, तो कांग वापस आता है, उसकी कांग आके उसकी हेल्प करता है। पर मैरी को उसके अंदर रियल वाला कांग की थोड़ी बहुत झलक दिखने लगती है। वो जैसे ही उसे पकड़ते हैं कि वो योंजी वाला कांग निकलता है, वो बेचारी मायूस हो जाती है। यहाँ योंजी की मॉम दारान को कॉल करके कहती है कि वो जल्द से जल्द योंजी का घर खाली कर दे और अपना सामान लेके चले जाए क्योंकि वो उस घर को बेचने वाली हैं। जहाँ दारान को उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उस घर से किसी की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। यहाँ योंजी की फ्रेंड सियोन को भी पता लग जाता है कि जॉब छोड़ने के बाद भी योंजी बार बार कांग से मिलने उसकी बॉडी का ख्याल रखने आता रहा, और वो कन्फ्यूज हो जाती है कि दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। यहाँ दारान के पास उसकी फ्रेंड कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है उसके घर पर। जहाँ हम देखते हैं कि जिम टीचर भी उसके घर पर, और वो कोशिश करता है दारान के मम्मी पापा को इम्प्रेस करने की। जहाँ वो उसकी बात उसे इम्प्रेस होते भी हैं, ये बात कांग देख लेता है और वो रास्ते से ही दारान को जाने नहीं देता और अपने साथ किसी बहाने से ले आता है। यहाँ दारान कॉफ़ी का ऑर्डर देने जाते ही कि योंजी के पास मतलब कांग के पास एक लड़की आ जाती है फ्लर्ट करने, उसे देख के दारान को काफ़ी गुस्सा भी आता है। कांग दारान को कॉल करके कहता है कि तुम यहाँ आके इस लड़की को भगाओगी या फिर मैं भी इसके साथ फ्लर्ट करने बैठ जाऊँ। जहाँ दारान आते उस लड़की को भगा देती है। यहाँ मेरी कांग की बॉडी के पास बैठी होती है और सारी चीज़ें याद कर रही होती है एंड सोचते हैं कि दो लोग इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं। कांग के अंकल मैरी से कहते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो इसे इतना ज़्यादा कैसे जानते हैं, क्या डॉक्टर पहले से ही कांग को जानते हैं। जहाँ वो कहते हैं कि मुझे भी ये नहीं पता कि दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, पर मुझे इतना पता है कि वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और उन दोनों को एक दूसरे के बारे में काफ़ी पता है। यहाँ चुनसिक से भी मैरी को पता लग जाता है कि जिस घर में इस वक्त कांग रह रहा है वो एक्चुअल में कांग का ही घर है, और वही फिर के काफ़ी हैरान हो जाती है। यहाँ मैरी जाती है कांग के घर में और अंदर कांग के बेड को देखने के बाद वो श्योर हो जाती है कि यहाँ कांग रहता था। जहाँ वो उसके घर का शीशा तोड़ के अंदर घुस जाती है। कांग दारान से वापस कह रहा होता है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, मेरे से शादी कर लो ताकि मुझे दिक्कत ना हो।
पर दारान कहती है कि वो अभी भी श्योर नहीं है कि वो उससे शादी करेगी कि नहीं करेगी। इसकी इस बात पे कान को काफ़ी बुरा लगता है और वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो मैरी को देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैरी उसे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कांग के घर में रहते हो। जहाँ उसे कुछ जवाब देता कि वो उससे कह दे कि तुम सच में कांग हो ना, तुम योंजी नहीं हो। इतने में वहाँ दारण भी आती पीछे से उसे कांग बुलाती हुई। फिर वो श्योर हो जाती है कि तुम सच में ही कांग हो और फिर वो कांग को हक करती है कि कांग तुम मुझे वापस मिल गए। और इसके साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।